वॉच में आओ, वॉच में आकर पानी दो, वॉच में आकर पानी दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, आवाज दो, अरे और जोर से आवाज दो, राजमन का मुद्दा पो, राजमन का मुद्दा पो। और 4 महीने पहले हमने यहाँ पे एक आंदोलन किया था पानी के लिए। उसके बाद में उन्होंने कमिश्नर साहब ने आदेश दिए थे कि तत्काल पानी की जो किल्लत है उसको हटाई जाए, लेकिन उसके बावजूद 4 महीने से हम लगातार ऑफिसर के संपर्क में है, लेकिन कुछ नहीं हुआ जा रहा है। टाइम पास किया जा रहा है, अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम आज हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का लेटर हमने आयुक्त साहब को इसके पहले दिया था कि हम आज आंदोलन करने वाले हैं, आप हाजिर रहो निवेदन लेने के लिए, लेकिन आज आयुक्त साहब हाजिर नहीं है। हालांकि भिवंडी के डाइंग को, भिवंडी के जनता का पानी डाइंग में दिया जा रहा है, उसका कमीशन ये ऑफिसर खा रहे, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, और वो गुस्से में आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक संबंधित अधिकारी को कितनी बार आपने लेटर दिया? करीब करीब 10 बार लेटर गया, 100 बार मिले हैं हम, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। निगरगट्टा अधिकारी है, कामचोर अधिकारी है, जिसमें पैसा मिलता है, जिस काम में कमीशन मिलता है वही वो काम करते हैं, जिसमें कमीशन नहीं मिलता है वो काम उसको करने में इंटरेस्ट नहीं है। देखा जाए तो आपने आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपकी पानी का मसला हल नहीं हुआ तो अगला आंदोलन क्या रहेगा? हम लोग ये आंदोलन लगातार करेंगे, और हमको आंदोलन पे विश्वास है, संघर्ष पे विश्वास है। ऐसे अधिकारी को हम सीधा करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको घूमने बंद कर देंगे, कॉरपोरेशन के बाहर आएंगे तो इनकी गाड़ी भी अड़ाई जाएगी, और उनके खिलाफ में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। देखा जाए तो पानी की समस्या भिवंडी शहर में बहुत जगह है, खास करके यहाँ जो है आपको जमा है, कौन सा वार्ड का ये बड़ा समस्या? यहाँ पे गए टाइम में हमने निजामपुरा का, कुरेश नगर का जो मस्जिद का इलाका है उसका स्पेशली हमने निवेदन दिया था। वहाँ पे जो बूंद बूंद पानी आ रहा था वो भी बंद हो गया, मतलब बिल्कुल पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं हुई रही। पानी खरीदी किया जा रहा है बाहर से, वो पानी भी इनका ही है, इनका ही पानी, दूसरा कोई चोरी कर रहा है और उन लोगों को बेच रहा है, और इनका जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है हर नागरिक को पानी की व्यवस्था करना, लेकिन ये पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे। धन्यवाद।